राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्राउन प्रिंस सलमान से मुलाकात के दौरान एक ऐसा मुद्दा उठाया जिससे मेहमान और मेजबान दोनों के बीच तल्खी आ गई। जो बाइडेन ने कहा कि इस बैठक में उन्होंने खशोगी की हत्या का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और साफ किया कि वे उस समय इसके बारे में क्या सोचते थे और अब इस बारे में क्या सोचते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जो बाइडेन ने कहा कि क्राउन प्रिंस ने उनसे दावा किया कि खशोगी की मौत के लिए वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं थे। बात यहीं तक होती तो ठीक थी, लेकिन इस मीटिंग में प्रिंस सलमान ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिससे बाइडेन बिलबिला गए। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रिंस सलमान ने इराक में मौजूद अबू गुरैब जेल में बंद कैदियों के साथ अमेरिकी सैनिकों द्वारा यौन और शारीरिक हिंसा का भी मुद्दा उठाया। अब सुनिए किन किन मुद्दों पर सऊदी अरब ने अमेरिका को घेरा है। The idea that one can impose values on other countries, His Royal Highness made clear, does not work. कोई अपने विचार दूसरे देशों पर नहीं थोप सकता है। हिज हाइनेस ने स्पष्ट किया है कि ये काम नहीं करता है। ये तब भी काम नहीं आया जब अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक पर मूल्यों को थोपने की कोशिश की। वास्तव में इसका उल्टा असर हुआ। ये तब भी काम नहीं करता जब लोग दूसरे देशों पर बल द्वारा मूल्यों को थोपने की कोशिश करते हैं। हिज रॉयल हाइनेस ने राष्ट्रपति से ये भी उल्लेख किया कि गलतियां दूसरे देशों में भी होती हैं और हमने देखा है कि अमेरिका द्वारा अबू ग्रैब में इस तरह की गलतियां की जा रही हैं और अमेरिका ने उन लोगों से निपटने के लिए कदम उठाए जो दोषी पाए गए थे और ये सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा फिर से होने से रोकने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाए। महामहिम क्राउन प्रिंस ने राष्ट्रपति को समझाया है कि सऊदी साम्राज्य ने ये सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं कि इस तरह की स्थिति फिर से न बने। दुनिया भर के कई देशों में आपके सामने ऐसी स्थितियां होंगी जहां पत्रकार मारे जाते हैं और दूसरे देशों को जिम्मेदार लोगों को न्याय दिलाने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा दोबारा न हो। और उन्होंने फिलिस्तीन के मुद्दे को भी उठाया। अमेरिकी पत्रकार जो इजरायली रक्षा बलों द्वारा मारे गए थे और ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस मुद्दे से ठीक से निपटा जाए। इसलिए दुनिया भर में ये मुद्दे दुर्भाग्य से गलतियों से होते हैं पर जरूरी है कि उनसे प्रभावी ढंग से निपटा जाए। ये बिल्कुल सही नहीं है। सऊदी अरब में हमारे पास ऐसे कैदी हैं जिन्होंने अपराध किए हैं और जिन पर हमारी अदालतों ने मुकदमा चलाया है और वो दोषी पाए गए थे और उन फैसलों को अपीली अदालतों ने बार बार बरकरार रखा है। जैसे अमेरिका और यूरोपीय देशों और एशियाई देशों की जेलों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपराध किए हैं, ये धारणा कि उन्हें राजनीतिक कैदी के रूप में दिखाया जाएगा ये हास्यास्पद है। मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और मोहम्मद बिन सलमान से पत्रकारों ने जमाल खशोगी की हत्या से जुड़ा सीधा सवाल किया। पत्रकारों ने साफ पूछा कि क्या आप खशोगी के परिवार से माफी मांगते हैं, तो दोनों नेता चुप्पी साधे रहे। जवाब में दोनों नेताओं की ओर से सिर्फ थैंक यू की आवाज सुनाई दी। लेकिन अब एक बात तो साफ हो गई है कि सऊदी अरब के इस दौरे के बाद अमेरिका की खूब किरकिरी हो रही है, खासकर से खशोगी के मामले को लेकर।